दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम चौथे T20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चौथे T20 मुकाबले से पहले निकोलस पूरन ने उगला भारतीय टीम के खिलाफ जहर, कही कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई। फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या ने दिया इनको मुंह तोड़ जवाब, जिसे सुनकर वेस्ट इंडीज की टीम के सभी खिलाड़ियों के होश उड़ गए। आखिरकार निकोलस पूरन ने भारतीय टीम के बारे में क्या जहर उगला और फिर हार्दिक पांड्या ने क्या करारा जवाब दिया, ये तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप निकोलस पूरन, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से किसको बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करी थी। इस जीत के हीरो रहे शानदार 76 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले में 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की सहायता से 44 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम ने इस जीत के साथ इस सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना ली थी। लेकिन अब भारतीय टीम इस सीरीज को जीत के उद्देश्य से चौथे T20 मुकाबले में उतरेगी और अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है तो फिर भारतीय टीम न केवल इस मुकाबले को अपना नाम कर लेगी बल्कि भारतीय टीम इस श्रृंखला को भी 3-1 से अपने नाम कर लेगी। लेकिन इस मुकाबले के होने से पहले ही वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास दिखा रहे और भारतीय टीम को हराने की बात कह रहे हैं। इसी दौरान निकोलस पूरन ने भारतीय टीम के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने बताया कि हम भारतीय टीम के खिलाफ होने वाले चौथे मुकाबले में एक नई और मजबूत प्लेइंग 11 को लेकर मैदान पर उतरेंगे। फिर उन्होंने बताया कि हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि वो भारत को इस मुकाबले में बुरी तरीके से हरा देंगे। हम भारत के खिलाफ पिछला मुकाबला भी जीत जाते, वो तो हमारे गेंदबाजों ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और हमारा भारतीय टीम का भाग्य ने साथ नहीं दिया, वरना हम उस मुकाबले को भी बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेते। दोस्तों, वहीं पर वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन का भारतीय टीम को लेकर जहां बड़ा बयान आया, इसके बाद हार्दिक पांड्या ने इनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारतीय टीम को हराना वेस्टइंडीज की टीम के बस की बात नहीं है क्योंकि हमारी टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज शामिल हैं जो कि अपनी बल्लेबाजी के दम पर मैच का रुख पलट देते हैं। जैसे कि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा, पिछले मुकाबले में आप सभी ने सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी को देखा होगा, कैसे इन्होंने पिछले मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि वो वेस्टइंडीज को चौथे T20 मुकाबलों में बड़े अंतर से धूल चटाएगी। दोस्तों, ये था भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन को करारा जवाब। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों से भरी हुई है जो कि वेस्टइंडीज की टीम को आसानी से धूल चटा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।